हेलो लिसनर्स, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, फरवरी का महीना आ चुका है और फरवरी का माह फागुन का महीना, गुलाबी ठंड का महीना। और अगर हम प्रकृति की तरफ नजर डालें तो सरसों खेत में खिली रहती है। प्रकृति बहुत सुंदर रूप में हमें इस महीने में दिखाई देती है। तो प्रेम के ये जो रूप हैं ये इंसानों के भीतर भी पल्लवित होते हैं। तो ये महीना बहुत खूबसूरत महीना माना जाता है। और अगर बाजार की भाषा में कहें तो इसको वैलेंटाइन डे या वैलेंटाइन वीक के तौर पर जिस तरह से आज बाजार मना रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी कुछ बातें इस पर करें और कुछ कविताएं हम लोग इस बहाने पढ़ें। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विपुल जोशी। विपुल जोशी कवि हैं, आज़ाद ख्याल लिखते हैं, तो शायर भी हैं और फिल्म मेकर हैं, शॉर्ट फिल्में बनाते हैं। शॉर्ट मतलब इतनी शॉर्ट होती हैं कई बार कि कुछ एक मिनट की फिल्म होगी और आपको कोई मैसेज दे जाएगी। तो इस कला में वो माहिर हैं। और बहुत लंबी फिल्में वो नहीं बनाते हैं क्योंकि न तो उनके पास बजट होता है, और कलाकार भी वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो खुश हो काम करने के लिए और निःशुल्क वो काम कर ले, पैसा ना मांगे। तो इस फन में माहिर हैं। और ओपन माइक भी विपुल ने चलाए हैं हल्द्वानी शहर में, जब ओपन माइक को कोई जानता नहीं था। और छपाक करके विपुल ना, हाँ, स्टार्टिंग में रहा था, कोरोना आ गया छपाक करके, तो कोविड ने उसको सब फिर दिशा ही बदल दी। अब तुम अभी ज्योतिष भी हो। नहीं, अभी करेंगे उसे ओपन माइक, हाँ, करेंगे, ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल। तो बहुत सारी अलग अलग खूबियां हैं विपुल की, ज्योतिष भी हैं और साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं अभी, तो साइकोलॉजिस्ट भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, हो चुके हैं साइकोलॉजिस्ट, ज्योतिष चल रहा है। तो आज हम वैलेंटाइन वीक हम आज से मना रहे हैं और अलग अलग लेखकों की, कवियों की बहुत सुंदर कविताएं आप तक इस बहाने हम पहुंचाएंगे दोस्तों, और बातचीत भी पहुंचाएंगे। तो आज हम विपुल की कविताओं से इसको शुरू कर रहे हैं क्योंकि विपुल हमको ज़्यादा सुलभ हो गए, यहाँ पे आ गए हैं स्टूडियो में। तो हमें ज़्यादा, हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे विपुल का, क्योंकि सामुदायिक रेडियो है, इसी तरह से आया जा सकता है। लोकेश्ना जी भी आज आई है, लोकेश्ना मिश्रा हमारे साथ और मौजूद हैं, तो हम तीनों लोग चर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो लोकेश्ना जी जो है वो कवि हैं, साहित्यकार हैं, लेखिका हैं और स्टूडेंट भी हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के। तो सभी स्टूडेंट होते हैं, सबके लिए एक बहुत अच्छा मौका विश्वविद्यालय देता है भाई, है ना। आप गृहिणी हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, अपनी डिग्री एनहांस करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका विश्वविद्यालय दे रहा है, तो हम उनके ऋणी हैं। तो लोकेश्ना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और विपुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी। तो आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या कविता आप सुनाएंगे हमारे तमाम लिसनर्स को? तो मैंने काफी समय पहले कविता लिखी थी प्रेमिकाएं, है ना। तो मुझे लगता है पहले हम प्रेम के जो इमेजिनरी पहलू है ना, कला जो एक कल्पना वाला पहलू, उस पर बात करते हैं। फिर जो उसका एक बाजार वाला पहलू है, तो मुझे लगता है उस पर बात करना भी शायद काफी जरूरी है ना। तो मैंने एक कविता लिखी थी प्रेमिकाएं, तो मैं सुनाता हूँ कि कई तरह की होती हैं प्रेमिकाएं, कई तरह की होती हैं प्रेमिकाएं, हर छोटी सी बात पर घंटों बतियाने वाली, हर छोटी सी बात पर घंटों बतियाने वाली, प्रेमी के बुलाने पर कहीं भी आ जाने वाली। कई तरह की होती हैं प्रेमिकाएं, हर छोटी सी बात पर घंटों बतियाने वाली, प्रेमी के बुलाने पर कहीं भी आ जाने वाली, और फिर उस गुमनाम जगह पर मुंह ढककर इंतजार करने वाली, और फिर उस गुमनाम जगह पर मुंह ढककर इंतजार करने वाली, और फिर उस गुमनाम जगह पर प्रेमी के बुलाने पर कहीं भी आ जाने वाली, और फिर उस गुमनाम जगह पर मुंह ढककर इंतजार करने वाली, उसके लिए सिगरेट का पैकेट खरीदने वाली, और फिर लंबी उम्र के व्रत रखने वाली, और फिर लंबी उम्र के लिए व्रत रखने वाली, हर मंदिर हर दरगाह तक भी चली जाती है नास्तिक प्रेमिकाएं। सही बात है। हर मंदिर हर दरगाह तक भी चली जाती है नास्तिक प्रेमिकाएं। जिद्दी लड़कियां जब प्रेमिकाएं बनती हैं, जिद्दी लड़कियां जब प्रेमिकाएं बनती हैं, तो कम से कम उन्हें किसी ने प्रेमी के सामने जिद करते तो नहीं देखा है। सही बात। जिद्दी लड़कियां जब प्रेमिकाएं बनती हैं, तो कम से कम उन्हें किसी ने प्रेमी के सामने जिद करते तो नहीं देखा। विवाह से पहले प्रेमी का घर संभालने वाली प्रेमिकाएं भी होती हैं। विवाह से पहले प्रेमी का घर संभालने वाली प्रेमिकाएं भी होती हैं, जो खाना बनाती हैं बिन कुछ कहे घर की सफाई तक करती हैं, जो खाना बनाती हैं बिन कुछ कहे घर की सफाई तक करती हैं, चाहे अपने घर में जो खाना तक बनाती हैं बिन कुछ कहे घर की सफाई तक करती हैं, चाहे अपने घर में खुद मक्खी भी ना उड़ाई हो, पानी भी ना उबाला हो। महीनों के आखिरी दिनों में कंजूसी कर करके अनारकली सूट के लिए बचाए पैसे दिल बड़ा करके प्रेमी पे लुटाती हैं। महीने के आखिरी दिनों में कंजूसी कर करके अनारकली सूट के लिए बचाए पैसे दिल बड़ा करके प्रेमी पर लुटाती हैं, और फिर कभी वापस नहीं लेती, और फिर कभी वापस नहीं लेती। घर में नजरें नीचे करके रहती हैं, मगर प्रेमी की खातिर घर में आवाज उठाती हैं प्रेमिकाएं। क्या बात है। घर में नजरें नीचे करके रहती हैं, मगर प्रेमी की खातिर घर में नजरें नीचे करके रहती हैं, मगर प्रेमी की खातिर घर में आवाज उठाती हैं प्रेमिकाएं। वैसे तो
अकेले घर से निकलने में डरती हैं, वैसे तो अकेले घर से निकलने में डरती हैं, वैसे तो अकेले घर से निकलने वैसे तो अकेले घर से निकलने में डरती हैं, पर प्रेमी की खातिर घर से भाग जाती हैं प्रेमिकाएं, पर प्रेमी की खातिर घर से भाग जाती हैं प्रेमिकाएं, और कुछ शादी कर लेती हैं, और कुछ शादी कर लेती हैं, बच्चों का नाम अपने प्रेमी के नाम पर रखना चाहती हैं, बच्चों का नाम अपने प्रेमी के नाम पर रखना चाहती हैं, मगर फिर डरती हैं, फिर उसी नाम का पर्यायवाची खोजती हैं, और रख लेती है अपने बच्चे का नाम, मगर उम्र के आखिरी पड़ाव पर अपने पोते को देकर अपने प्रेमी का नाम, उसे जी भर दुलार देते हुए चैन से मर जाती हैं प्रेमिकाएं। बहुत अच्छे, लोकेश जी क्या कहेंगे इस कविता पर? बहुत अच्छी कविता है, जैसे ऐसा लग रहा है अपना कोई अनुभव बड़े करीने से लिख दिया गया हो। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, और ये सच्चाई है। अभी जैसे आप कह रहे थे प्रेम कुछ नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है। प्रेम का मतलब ये बिल्कुल है ही नहीं कि दो, एक लड़का और एक लड़की सारे समय और ताउम्र कुछ करते रहे। वो जो एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो कहीं पड़ा रहता है, वो भी प्रेम ही है। मेरा तो इतना मतलब थोड़ा वो है, मतलब मैं प्रेम को लेके इतना ज्यादा लॉजिकल हूँ ना, तो मुझे तो लगता है लड़का लड़की तो छोड़ो, जो माता पिता के वो होता है ना, वो भी नहीं होता प्रेम। मतलब मेरा तो मुझे ये तक लगता है कि जैसे अगर एक लड़का है ना, वो सरकारी नौकरी में है सपोज, है ना, और अच्छी नौकरी में है, और उसका एक भाई है जो बेरोजगार है, तो माँ बाप का व्यवहार उन दोनों से बदल जाता है। तो अगर प्रेम है तो दोनों एक ही संतान है, तो नहीं बदलना चाहिए शायद ना। तो मेरे तो इस तरह के अनुभव है प्रेम को लेके कि मुझे थोड़ा ऐसा लगता है। हाँ, नहीं, मैं लगता है कि विपुल को हालातों ने कुछ कठोर बना दिया है, और अंदर से ये भले ही ना कहें, लेकिन ये अंदर से प्रेम को मानते हैं। नहीं नहीं, आपको बताऊं, मेरा तो ना ये है कि मुझे तो लिखने के पैसे मिलते हैं, वो ठीक है, प्योर है मेरा। इनका कहना है लोकेश जी कि लिखना पूरी तरह से मेरे लिए क्राफ्ट का विषय है, कि मैं कैसे हुनर से लिख सकता हूँ, वो ठीक है, लेकिन आप चाहे अपने आप से कितना भी झूठ बोलें, जब तक हमारे अंदर जो चीज प्रेम से, जैसे आप, मैंने क्या कहा कि वो कहीं रहता है, आपने कहा माँ बाप, बिल्कुल सच्चाई वही है, धरातल पर प्रेम कुछ नहीं है। अगर ऐसे प्रेम होता जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम हल्ला बोलते हैं, तो किसी के जाने पे हम भी चले जाएं ना साथ में, हमारी सांसों में ऐसी वाली कुछ संवेदनशीलता होनी चाहिए, पर नहीं होता है ना, सबके साथ नहीं होता। तो प्रेम जो अपने आप में है वो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, लेकिन ये प्रेमी प्रेमिका या माता पिता वाली जो बात है, एक कुछ समय होता है जब सारी चीजें झूठी होती हैं, तो वो ये भी झूठा लगता है, लेकिन सच्चाई है, हर चीज है, भावनाएं हमेशा है। तो एक प्रेमिका को केंद्र में रखकर तुमने पूरा गढ़ दिया भाई। हाँ। ये क्या आसपास देखा है माहौल, मतलब देखते आए हो, मतलब एक सबसे पहली बात तो जो मुंह ढक के प्रेमिका किसी बगीचे में बैठी है, सारे समय जाती हैं लड़कियां, मुंह ढक के जाती हैं, मतलब हमारे मुंह ढक के जाती हैं नहीं है कि खुलेआम प्रेम कर सके, तो ये भी एक संकट तो है ही। नहीं, संकट नहीं है, इसको संकट नहीं कहेंगे। क्या है, देखिए समाज या हमारा परिवार क्या है, जब तक ये तालमेल में नहीं रहेगा, जब तक इसमें चीजें ये निश्चित नहीं होंगी कि ये करेगा, ये वो करेगा, कि नमक कितना डालना है, चीनी कितनी डालनी है, मर्जी से अगर होगा तो आप खुद सोच लीजिए, सब गजबज हो जाएगा। लेकिन प्रेम तो कर ही रहे युवा, भले ही मुंह ढके जा रहे हो, तो वो गलत है ना, वो उनकी हिम्मत की बात है ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब जैसे मुझे हमेशा लगता है वो कर रहे हैं ना, कि अब जैसे इसमें मतलब इस कविता के अंदर है ना, कम से कम मुझे लगता है 10 या 12 प्रेमिकाओं का जिक्र है, कम से कम है, बिल्कुल ऐसा। और यहाँ तक की वो वहाँ तक भी है कि चैन से मर जाती है प्रेमिकाएं, तो मेरी तो अभी उम्र भी नहीं है ना, नहीं देखिए मतलब मैं तो अभी 32 साल का, मतलब क्योंकि वो सब मतलब एक तो ये कह सकते हैं कि इमेजिनेशन कह सकते हैं, और ना मतलब क्राफ्ट है बेसिक। और क्या होता है, जो मैं आपको बताऊं उस लेवल पे, मतलब एक स्पिरिचुअल लेवल पे आप उस पे बोलें, कि जब आप कविता लिखते हैं, ये आपको ये बताएगा नहीं कोई राइटर, लेकिन शायद मैं बता देता हूँ कि जब आप कोई कविता लिखते हैं ना, तो आपको कभी उसका एंड पता नहीं होता है, वो एंड अपने आप ही आता है, ऊपर से ही आता है, एंड तो आता है, खुद आता है ना, एंड हमेशा आता है। तो ये होता है कि वो आप शुरू कर देते हैं, वो एंड अपने आप ही आता है, ऊपर से वो गॉड गिफ्ट है वो, तो है ना, बिल्कुल। तो हम अगली कविता की तरफ चलते हैं, जब पहली कविता इतनी सुंदर है तो आगे आगे का नजारा देखते हैं ना, बिल्कुल। तो विपुल अगली कविता आप तैयार रखें। हाँ, तो अगली जैसे प्रेमिकाओं पे थी प्रेमी की कल्पना करी हुई है इसमें, वो झूठी होती है सारी कल्पनाएं। तो कविता कुछ ऐसी है कि प्रेमी है ना, प्रेमी प्रेम को प्रकट नहीं कर पाते, प्रेमी प्रेम को प्रकट नहीं कर पाते, अपनी बहन की तरह मदर्स डे फादर्स डे नहीं मना पाते, प्रेमी प्रेम को प्रकट नहीं कर पाते, अपनी बहन की तरह मदर्स डे फादर्स डे नहीं मना पाते, पाउड बनाती हुई सेल्फी
पाउड बनाती हुई सेल्फी नहीं अपलोड कर पाते, पाउड बनाती हुई सेल्फी अपलोड नहीं कर पाते, लव यू डैड लव यू मॉम नहीं लिख पाते, लव यू डैड लव यू मॉम नहीं लिख पाते, प्रेमी माँ बाप की एनिवर्सरी भी भूल जाते हैं, प्रेमी माँ बाप की एनिवर्सरी भूल जाते हैं, उनके जन्मदिन भी याद नहीं रख पाते, प्रेमी माँ बाप की एनिवर्सरी भूल जाते हैं, उनके जन्मदिन भी याद नहीं रख पाते, मगर उनकी इंग्लिश दवाओं के लंबे नाम विद सॉल्ट याद रखते हैं, मगर वही बात है, मगर उनकी इंग्लिश दवाओं के लंबे नाम विद सॉल्ट याद रखते हैं, कठियाबाद के इलाज के ऊपर लिखे हर आर्टिकल को पढ़ते हैं, कठियाबाद के इलाज के ऊपर लिखे हर आर्टिकल को पढ़ते हैं, क्रिकेट मैच के आखिरी ओवर का रोमांच छोड़कर, क्रिकेट मैच के आखिरी ओवर का रोमांच छोड़कर शांत मन से माँ के साथ आस्था चैनल देख लेते हैं प्रेमी, क्रिकेट मैच के आखिरी ओवर का रोमांच छोड़कर शांत मन से माँ के साथ आस्था चैनल तक देख लेते हैं प्रेमी, ताकि फुर्सत में माँ कैसी लगती है ये देख सकें, बाबूजी के साथ राजनीतिक मुद्दों पर कभी बहस नहीं करते प्रेमी, बस हाँ में हाँ मिलाते हैं, बाबूजी के साथ राजनीतिक मुद्दों पर कभी बहस नहीं करते प्रेमी, बस हाँ में हाँ मिलाते हैं, आपकी बात सही है यही दोहराते हैं, आपकी बात सही है यही दोहराते हैं, चाहे फेसबुक ट्विटर पर उनकी पोस्टों और कमेंटों ने बखिया उधेड़ दिया दुनिया की, चाहे फेसबुक और ट्विटर पर उनकी पोस्टों और कमेंटों ने बखिया उधेड़ दिया दुनिया की, प्रेमी अपनी हर प्रेमिका को याद रखते हैं, प्रेमी अपनी हर प्रेमिका को याद रखते हैं एक तरफा प्रेम के बावजूद, प्रेमी अपनी हर प्रेमिका को याद रखते हैं एक तरफा प्रेम के बावजूद, दो तरफा वाली प्रेमिकाओं को भी याद रखते हैं उनकी खताओं के बावजूद, दो तरफा वाली प्रेमिकाओं को भी याद रखते हैं उनकी खताओं के बावजूद, खुद के लिए दुआ करने से पहले उनके लिए दुआ करते हैं, खुद के लिए दुआ करने से पहले उनके लिए दुआ करते हैं, उनके अनुसार प्रेम एक बार होता है आज तक की सुनी सबसे वाहियात बात है, उनके अनुसार प्रेम एक बार होता है आज तक की सुनी सबसे वाहियात बात है, वो लाठी लेकर ढूंढ रहे हैं इस बात को कहने वाले को, वो लाठी लेकर ढूंढ रहे हैं इस बात को कहने वाले को, पत्नी के साथ फोटो में पाउड भी बना लेते हैं, पत्नी के साथ मतलब ऐसा हमने फेसबुक में बहुत देखा है ना, मतलब जो लड़के एकदम सीधे से होते हैं और फिर मजबूरी हो जाती है, जो भी रहता होगा मजबूरी या प्रेम, मतलब मैं उसमें नहीं जाता कि पत्नी के साथ फोटो में पाउड भी बना लेते हैं, मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ अभी तो वहां से आता है ऑब्जर्वेशन कि पत्नी के साथ फोटो में पाउड भी बना लेते हैं, उसके बीमार होने पर खाना भी बना लेते हैं, उसके बीमार होने पर ये हर कोई नहीं करता वैसे ना, तो पत्नी के साथ फोटो में पाउड भी बना लेते हैं, उसके बीमार होने पर खाना भी बना लेते हैं, बर्तन भी धो लेते हैं, सर भी दबा लेते हैं, और तो और पत्नी के पसंदीदा सीरियल को देखकर बकायदा नोट्स बनाकर एक्सप्लेन करते हैं प्रेमी, और तो और पत्नी के पसंदीदा सीरियल को देखकर बकायदा नोट्स बनाकर एक्सप्लेन करते हैं प्रेमी, जबकि उन्हें मालूम है ऐसे सीरियल उनकी सेहत खराब कर सकते हैं, जबकि उन्हें मालूम है ऐसे सीरियल उनकी सेहत खराब कर सकते हैं, जोरू का गुलाम सुनना उनके लिए खिताब है, जोरू का गुलाम सुनना उनके लिए खिताब है, क्योंकि गुलाम होना उनकी नजर में चमन होने से तो कहीं बेहतर है, क्योंकि गुलाम होना उनकी नजरों में चमन होने से तो कहीं बेहतर है, प्रेमी जब कभी पिता बनते हैं, प्रेमी जब कभी पिता बनते हैं तो बच्चों के बीमार होने पर उन्हें होम्योपैथी दवाई देना पसंद करते हैं, प्रेमी जब कभी पिता बनते हैं तो बच्चों के बीमार होने पर उन्हें होम्योपैथी दवाई देना पसंद करते हैं, खुद शाकाहारी होकर मछली के कांटे निकाल कर बच्चों को खिलाते हैं प्रेमी, खुद शाकाहारी होने पर मछली के कांटे निकाल कर बच्चों को खिलाते हैं प्रेमी, प्रेमी उम्र के आखिरी पड़ाव पर नरक की यातनाएं भले ही कबूल कर ले, प्रेमी उम्र के आखिरी पड़ाव पर नरक की यातनाएं भले ही कबूल कर ले, बस पुनर्जन्म नहीं लेना चाहता है प्रेमी, माँ को प्रसव पीड़ा नहीं देना चाहता है, माँ को प्रसव पीड़ा नहीं देना चाहता, पुनर्जन्म नहीं लेना चाहता है क्योंकि प्रेमी माँ को प्रसव पीड़ा, ही तो आखिरी में आखिरी पंक्ति में तुम कमाल करते हो, है ना, तो वही है ना, चीज को समेटने वाली चीज कहते हैं ना इसको, वो होता है, वो अपने पहली, जब आप पहली, मैं हमेशा बोलता हूँ जब आप पहली पंक्ति लिखते हो ना आपको पता नहीं होता कि वो खत्म, पहली भी अचानक से आती है और वो कहाँ तक जाती है कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, अब ये कि लोग इसको बताते नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ बेसिकली। अच्छा, पहली भी तुम्हारी अचानक आती है या फिर तुम, अब क्राफ्ट की अगर बात करो तो फिर तुम सोचते हो कि हाँ इस मुद्दे पे लिखूं, अब इस पे लिखूं, अब इस पे लिखूं, अब इसमें ये रहता है कि अगर किसी चीज पे लिखना जरूरी होता है ना तो फिर सोचते हैं, और फिर ये होता है कि आप ना मेरे मतलब एक काम 10 सालों से कर रहे हैं ना, जैसे मेरा तो प्योर प्रोफेशन भी यही है, मैं पिछले 10 या 11 साल से लिख ही रहा हूँ,
तो दिमाग में किसी का कुछ सुना, वहां से कुछ सुना, कुछ नया थोड़ा है, वो आते ही रहते हैं, वो वहीं से आता है ना, आप कुछ तो देखना सुनना मिलता है। अभी जैसे आपने उम्र के दोनों बार कविताओं में आखिरी पड़ाव की बात की, लेकिन शायद आपने वो गुजरात का वाक्या सुना है जहाँ उम्र के आखिरी पड़ाव में प्रेमी प्रेमिकाओं ने शादी की, जो उन्होंने अपने बेटे बेटियों की शादी की, तब वो संबंधी एक दूसरे के समधी समधन थे, उन्होंने फिर शादी की। एक ये भी होता है, कई बार कई जगह होता है। तो प्रेम या किसी चीज में कुछ भी होता, अथाह है ये, बिल्कुल आकाश की तरह हर चीज अथाह है। मतलब एक लॉजिकल कविता इसको सुनूंगा तो मुझे लगेगा तो जो मतलब मेरा जो दृष्टिकोण है असली वाला एक तरह से कह सकते हैं ना, मतलब मुझे तो हमेशा ना ये लगता है कि क्या होता है ना, हर किसी के दिमाग में ना एक टिक बॉक्स होती है, एक मैंने मतलब एक इस पे साइकोलॉजी वाली पोस्ट लिखी हुई है कि ना हर किसी के दिमाग में एक टिक बॉक्स की थ्योरी होती है कि सपोज मेरा जीवन साथी या मेरा प्रेमी है ना, कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो वो कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, मैं ऐसा हूँ तो कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, मतलब उसका 19-20 का रहता है, है ना, शर्तें रहती रहती है दिमाग में कि अच्छा। जैसे मैं बहुत बार मजाक में कहता हूँ कि मतलब लड़के जो मिडिल क्लास लड़के होते हैं वो कहते हैं यार कम से कम एमएससी वाली तो होनी चाहिए ताकि मैथ तो पढ़ा ले बच्चों को, ट्यूशन के वैसे तो बच जाए ना, वो एक वो दिमाग में आप चाहे आप जिस परिवेश से आए हो ना वो आपके दिमाग में चले गए चलेगा हमेशा, वो रहता ही वो रहता है। तो जहाँ पे वो टिक बॉक्सेस मिल जाते हैं आपके, जहाँ आपको लगता है कि अच्छा 15 चीजें तो मिल रही है, चलो 20 नहीं मिल रही तो ठीक है, और जहाँ 10 मिलते हैं वहां आप नहीं होती है ना, तो ये मेरा टिक बॉक्स की थ्योरी है, ये आप कहीं भी देख लो है ना। जो जो लोग बोलते हैं कि रिश्ते भगवान बनाते हैं, ऊपर से जोड़ियां भगवान बनाते हैं, वो शायद बनाते होंगे, लेकिन अभी जो चलता है अभी तो इंसान ही बनाते हैं। जी जी, तो विपुल कितनी कविताएं लिखी हैं, और हम अपने लिसनर्स को याद दिला दें दोस्तों कि 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी, और हम कविता संसार कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं, वैलेंटाइन वीक मना रहे हैं। आप सब भी अगर कुछ लिख रहे हैं, प्रेम पर आपने कुछ लिखा है, कुछ बोलना चाहते हैं, तो हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो विपुल अगली कविता हम सुनते हैं। तो ये थोड़ा ये जो प्रेम का जो वो है ना लॉजिकल पार्ट है ना, मतलब जो कि है भी कि नहीं है, तो ये उस पर है कि प्रेम कब तक व्यंग रहेगा है ना। तो ये है कि जब तक लड़कियों के सपनों का राजकुमार, जब तक लड़कियों के सपनों का राजकुमार सफेद रंग के घोड़ों पे आता रहेगा, जब तक लड़कियों को लड़कियों को हमेशा राजकुमार चाहिए होता है ना, और लड़कियों को भी उनको बचपन से सिखा दिया जाता है ऐसा। जी बचपन में से सिखाते हैं कि आएगा तुझे तो पराए घर ही जाना है, ये भी बोल दिया जाता है। अब कहाँ सिखाते हैं, अब कोई नहीं सिखाता, अब तो कहाँ बच्चे ऐसा सीखते हैं, अब चीजें बदल गए हैं, लेकिन अभी भी आप ये देखो ना, जो भी अगर अगर कोई लड़की है ना, तो वो यही सोचती है कि सिक्स पैक है वो, मतलब एक है दिमाग में वो लड़का है, राजकुमार चेंज, घोड़े वाला राजकुमार चेंज हो गया ना, अब दूसरा हो गया, वो समय तो वो माँ बाप ने नहीं किया ना, वो तो उसने खुद किया है, मैंने खुद से मतलब माँ बाप तो खुद से आया, माँ बाप से ही आता है जो, माँ बाप क्या मतलब, माँ बाप भी समाज का हिस्सा ही है, समाज से ही आता है बेसिकली ना, इससे हिस्सा बेसक है, पर आजकल माँ बाप कुछ नहीं कहते। राजकुमार घोड़े वाला तो इस तरह की कहानियां होती थी, उन कहानियों से सीखती थी, अब तो कोई कहानी नहीं सुना, अब ये होता होगा कि राजकुमार घोड़े पे नहीं आता होगा, तो राजकुमार केटीएम पे आता होगा, अब तो हाँ अब तो फरारी और वो सब चाहिए, पैदल नहीं आएगा, कभी भी वो पैदल नहीं आएगा। और फिर दूसरा ये कि और मैं ये कहना लड़कियों का लड़कों का भी ऐसा ही है ना, वो भी ऐश्वर्य, हाँ सभी का बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, क्यों फोर फर्स्ट क्लास पीएचडी और ऐश्वर्य बिल्कुल, और उनसे अच्छी जॉब वाली होनी चाहिए, उनसे ज्यादा कमाती हूँ तो मैंने क्या क्या मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे तो इसी पे ये कविता थी बेसिकली, ये पूरा जो सिस्टम है ना समाज है उसी पे, की प्रेम कब तक व्यंग रहेगा, जब तक लड़कियों के सपनों का राजकुमार सफेद रंग के घोड़े पे आता रहेगा, जब तक लड़कियों के सपनों का राजकुमार सफेद रंग के घोड़े पे आता रहेगा, जब तक एक लड़का राजकुमारी की चाहत करेगा, जब तक एक लड़का राजकुमारी की चाहत करेगा, जब तक खुद 19 छोड़ो 15 वाला 20 की चाहत करेगा, जब तक खुद 19 छोड़ो 15 वाला 20 की चाहत करेगा, जब तक कोई लड़की किसी गुमसुम लड़के की आंखें पढ़ना नहीं जानेगी, जब तक कोई लड़की किसी गुमसुम लड़के की आंखें पढ़ना नहीं जानेगी, जब तक दुनिया वाले कत्ल करने से बड़ा अपराध प्रेम विवाह को मानेंगे, जब तक दुनिया वाले कत्ल करने से बड़ा अपराध प्रेम विवाह को मानेंगे, जब तक कत्लेआम लड़ाइयां बीज बाजार होंगी, जब तक कत्लेआम लड़ाइयां बीज बाजार होगी, मगर प्रेम करने वालों को खोजनी पड़ेंगी सुनसान गली, या खोजना पड़ेगा घर से लाखों मील दूर कोई पार्क, जब तक कत्लेआम लड़ाइयां बीज बाजार होंगी, मगर प्रेम करने वालों को खोजनी पड़ेंगी सुनसान गली, या खोजना पड़ेगा घर से लाखों मील दूर कोई पार्क या कोई पुस्तकालय, क्योंकि वहां भी अब कोई नहीं आता, या कोई पुस्तकालय क्योंकि वहां भी अब कोई नहीं आता, बस हवा की उंगलियां थामे धूल आती है, बस खिड़कियों से हवा की उंगलियां थामे धूल आती है, जब तक समाज का यही रंग रहेगा, जब तक समाज का यही रंग रहेगा तब तक प्रेम व्यंग रहेगा, जब तक समाज का यही रंग रहेगा तब तक प्रेम व्यंग रहेगा, जब एक मोटी छोटी सांवली लड़की को
कोई लड़का प्यार करेगा उसके गरीब होने के बावजूद, अगर अमीर होगी तो फिर तो कोई वो ही नहीं है ना, फिर तो फिर से वही आ गया कि जब तक जब एक मोटी छोटी सांवली लड़की को कोई लड़का प्यार करेगा उसके गरीब होने के बावजूद, जब एक बेरोजगार लड़के को कोई लड़की प्यार करेगी बिना ये जताए कि वो कितना कमाती है, जब एक बेरोजगार लड़के को कोई लड़की प्यार करेगी बिना ये जताए कि वो कितना कमाती है, जब घर से प्रेमी की खातिर भागी लड़कियों को अपना लिया जाएगा, जब घर से प्रेमी की खातिर भागी लड़कियों को अपना लिया जाएगा, चिट्ठी खत तार ईमेल भेजकर या खुद जाकर बुला लिया जाएगा, चिट्ठी खत तार ईमेल भेजकर या खुद जाकर बुला लिया जाएगा, जब शादी करने से पहले प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस खानदान नहीं देखा जाएगा, जब शादी करने से पहले प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस खानदान नहीं देखा जाएगा, जब सूरत नहीं सीरत को तवज्जो दी जाएगी, जब सूरत नहीं सीरत को तवज्जो दी जाएगी, जब मेहमानों के आने पर चेहरों पर खुशी आएंगी, जब मेहमानों के आने पर चेहरों पर खुशी आएंगी, जब लोग मंदिर जाएंगे बिना किसी मन्नत के साथ, तब होगा भगवान से आप प्रेम करते हैं, आप तो मांगने जा रहे हो उससे ना, अब तो भिखारी बन के जा रहे हैं, कि जब लोग मंदिर जाएंगे बिना किसी मन्नत के साथ, जब लोग शालीन होना सीखेंगे दौलत के साथ, जब लोग शालीन होना सीखेंगे दौलत के साथ, जब लोग पुत्र की चाहत नहीं करेंगे, जब लोग पुत्र की चाहत नहीं करेंगे चाहे पहली या दूसरी संतान पुत्र ही क्यों ना हो, चाहे जब लोग पुत्र की चाहत नहीं करेंगे चाहे पहली या दूसरी संतान पुत्र ही क्यों ना हो, जब महिलाओं के दिल में अपने मायके वालों को विशेष आरक्षण नहीं होगा, जब महिलाओं के दिल में अपने मायके वालों को विशेष आरक्षण नहीं होगा, ना पुरुष देंगे विशेष दर्जा अपनी तरफ के लोगों को, ना पुरुष देंगे विशेष दर्जा अपनी तरफ के लोगों को, हाँ मगर साली अपवाद रहेगी, हाँ मगर साली अपवाद रहेगी, जब जब साहिल पर रेत का बनाया घर पक्का हो जाएगा, जब साहिल पर रेत का बनाया घर पक्का हो जाएगा, जब मीठी नदियों से मिलकर समंदर मीठा हो जाएगा, जब साहिल पर रेत का बनाया घर पक्का हो जाएगा, जब मीठी नदियों से मिलकर समंदर मीठा हो जाएगा, तब प्रेम व्यंग नहीं रहेगा पुनः प्रेम बन जाएगा। अच्छा लिखा, काफी लंबा और अच्छी कविता है तो। और या मैं लोकेशना जी, आपकी कोई कविता आप सुनाना चाहेंगे, प्रेम कविता सुना दूंगी। अब वही है ना, मैंने जैसे कहा ना कि प्रेम एक ऐसी चीज है ना जिसमें आप ये नहीं कह सकते ये प्रेम है ये झूठा है या ये सच्चा है। वो कुछ परिस्थितियां कुछ समय होता है जब आप उस चीज से गुजरते हैं, फिर आप उसमें अपना स्वार्थ अगर ढूंढने लगते हैं मंजिल पाने का, तो वहीं से वो व्यंग या कुछ भी बन जाता है। तो मेरा छोटा छोटा मिलेगा कुछ भी अभी जो मेरे पास है। बिल्कुल। बड़ा लुभाता है तुझको यूं ही देखते रहना तुझसे बातें करना, बड़ा लुभाता है तुझको यूं ही देखते रहना तुझसे बातें करना, बहुत मुश्किल होता है तेरे आगोश से खुद को जुदा करना। बहुत मुश्किल होता है तेरे आगोश से खुद को जुदा करना, बेहद सताता है मुझको रात का गुजरना और सुबह का होना, बेहद सताता है मुझको रात का गुजरना और सुबह का होना। क्या लगा आपको? मैं सितारों भरे नीले आसमान की बात कर रही हूँ। हंसी सुकून भरे पलों की बात कर रही हूँ। प्रेम आप कुछ भी हो सकता है। प्रेम से अर्थ ये है कि आप अपने को कितना ज्यादा शोधित कर रहे हैं किसी चीज के लिए, किसी भी व्यक्तित्व के लिए या किसी भी सदस्य के साथ अपने बर्ताव के लिए या व्यवहार के लिए या जीवन के लिए, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल मतलब एक मेल्टिंग पॉइंट आता है कि जहाँ आप बिल्कुल मतलब मेल्ट होके दुनिया को या प्रकृति को या सभी को देखते हैं, तो वो एक पॉइंट है जहाँ पे हम कह सकते हैं प्रेम है। बस जी। तो और एक और हम चाहेंगे कि आप पढ़ें, एक और सुना देते, वो थोड़ी सी लंबी है जी। ये मैंने लिखी है 2013 में लिखी है जी। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा मैंने बताया है कि मैं कहाँ और कैसे रहती हूँ। जैसे मैं प्रकृति की बात कर रही थी, मेरे कमरे का बड़ा सा झरोखा कराता है आभास मुझे पूरी एक जिंदगी का, दूर स्वच्छ आसमां से ढकी नीली पहाड़ियां, फल फूलों से पोषित वृक्ष,
कोयल की कुंकू रंग बिरंगी चिड़ियों का इठलाना, कोयल की कुंकू रंग बिरंगी चिड़ियों का इठलाना, बारिश में भीगी तोतई चिड़िया का चींची करके, बारिश में भीगी तोतई चिड़िया का चींची करके मुझसे खिड़की खोलने की मनुहार करना, मुझसे खिड़की खोलने की मनुहार करना, गाय का भोजन पानी के लिए, गाय का भोजन पानी बछिया का दूध के लिए रमाना, गाय का भोजन पानी और बछिया का दूध के लिए रमाना, दूर से आते जाते दिखते आधे अधूरे वाहन, दूर से आते जाते दिखते आधे अधूरे वाहन, कभी शहनाइयों की धुन कभी एम्बुलेंस का सायरन, कभी शहनाइयों की धुन कभी एम्बुलेंस का सायरन, जब किसी वाहन से अचानक से ब्रेक लगते हैं, जब किसी वाहन से अचानक से ब्रेक लगते हैं तो दिल जोर से दहल जाता है, तो दिल जोर से दहल जाता है, शाम होते होते धुंधलका छाने लगता है, पक्षी अपने घरौंदों में जाने लगते हैं, वाहनों की आवाज़ें कुछ और तेज़ हो जाती हैं, वाहनों की आवाज़ें कुछ और तेज़ हो जाती हैं, शायद सभी को मंजिल पाने की जल्दी है, शायद सभी को मंजिल पाने की जल्दी है, रात में दौड़ते वाहन मानो जमी पर सितारे झिलमिला रहे हों, रात में दौड़ते वाहन मानो जमी पर सितारे झिलमिला रहे हों, अब पहाड़ियों की जगह धीमी रोशनी है, अब पहाड़ियों की जगह धीमी रोशनी है, दूर तक एक आभासी उजाला और जुगनुओं की जगमगाहट है, दूर तक एक आभासी उजाला और जुगनुओं की जगमगाहट है, पर आवाज़ें अभी भी शेष हैं, पर आवाज़ें अभी भी शेष हैं, सरोजनी से निकले मेढकों की टरटर, सरोजनी से निकले मेढकों की टरटर और झींगुरू की झींझी, और झींगुरी की झींझी, साढ़े दस की मंजिल पर पहुंचती संपर्क क्रांति, साढ़े दस की मंजिल पर पहुंचती संपर्क क्रांति, मानो दरवाजे पर ही आ रुकेगी, मानो दरवाजे पर ही आ रुकेगी, छोटी छोटी गाड़ियां हवा से बातें करती, छोटी छोटी गाड़ियां हवा से बातें करती, जूम से निकलती यकीन कराती हैं कि रात होने पर भी निशब्द नहीं होता कुछ भी, कि रात होने पर भी निशब्द नहीं होता कुछ भी, सब चलता रहता है अविरल, कभी धीमा कभी तेज, अविरल कभी धीमा कभी तेज, फिर भी एक कमी महसूस करती हूँ मैं अपने कमरे के इस झरोखे में, फिर भी एक कमी महसूस करती हूँ मैं अपने कमरे के इस झरोखे में, यहाँ से उगता सूरज नहीं दिखता, यहाँ से उगता सूरज नहीं दिखता, हाँ ढलता सूरज देखना चाहूँ तो दूसरी ओर के झरोखे से दिख जाता है, ढलता सूरज देखना चाहूँ तो दूसरी ओर के झरोखे से दिख जाता है, यही झरोखा चांदनी रातों में मुझे बड़ा लुभाता है, यही झरोखा चांदनी रातों में मुझे बड़ा लुभाता है, क्योंकि इसी झरोखे से, क्योंकि इसी झरोखे से मयंक रात को मुझसे मिलने आता है, क्योंकि इसी झरोखे से मयंक रात को मुझसे मिलने आता है। चंद्रमा ये आप सोचिए, मैं नहीं कह रही हूँ। जी जी ये आप सोचिए जी, तो मयंक आपसे झरोखों से मिलते आते रहे है ना, हम उम्मीद करेंगे। तो बहुत सुंदर कविता है ना, बिल्कुल अलग मिजाज की है। तो विपुल चलते चलते कोई कविता आप, तो मुझे लगता है जैसे ना अभी ये वैलेंटाइन वीक है, प्रेम का हफ्ता है जी, तो मतलब अभी तो ये मतलब अभी क्या मतलब हमेशा से ये स्थिति रहती है, साल भर तो लड़ाइयां ही रहती हैं एक तरह से ना, तो ये प्रेम का हफ्ता है तो वो कविताएं एक तरफ, तो एक प्रेम की एक मैंने बोले आजाद ख्याल लिखा है ना जी, बिल्कुल कि तेरी खुशी के सिवा कुछ और गवारा नहीं, तेरी खुशी के सिवा कुछ और गवारा नहीं, कि तेरी खुशी के सिवा कुछ और गवारा नहीं, तुझे पा लेने का दिल में कोई इरादा नहीं, मतलब अच्छा। कि तुम्हारी खुशी ज्यादा जरूरी है ना, तुम्हारा खुश तुम जिसमें खुश रहो है ना, तुम जिसमें खुश रहो बेसिकली, कि तेरी खुशी के सिवा कुछ और गवारा नहीं, तुझे पा लेने का दिल में कोई इरादा नहीं, कि तेरी खुशी के सिवा कुछ और गवारा नहीं, तुझे पा लेने का दिल में कोई इरादा नहीं, तितली गिलहरी चिड़िया मासूम है मगर, तितली गिलहरी चिड़िया मासूम है मगर, इन सबका उस लड़की से कोई मुकाबला नहीं, उस दिन के बाद तो हफ्तों उदास रहे, उस दिन के बाद तो हम हफ्तों उदास रहे, उस दिन के बाद तो हम हफ्तों उदास रहे, हमको खिड़की पर वो शख्स दिखा नहीं, हमको खिड़की पर वो शख्स दिखा नहीं, वो आदमी जीत को संभाल नहीं सकता, ये थोड़ा प्रेम से हटकर है, कि वो आदमी जीत को संभाल नहीं सकता जिस आदमी को हारने का तजुर्बा नहीं, बहुत अच्छा, कि वो आदमी जीत संभाल नहीं सकता जिस आदमी को हारने का तजुर्बा नहीं, और मोहब्बत में हिसाब किताब क्या करना है, मोहब्बत में हिसाब किताब क्या करना, मोहब्बत में होता नुकसान फायदा नहीं,
मोहब्बत में होता नुकसान नुकसान फायदा तो व्यापार में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छी सी बातचीत रही, अच्छी सी कविताएं और आजाद ख्याल हमने सुने और अलग अलग नजरिए से प्रेम को जाना। क्यों लोकेश जी, कैसी रही बातचीत? बिल्कुल बहुत अच्छी जी। तो ऐसी चर्चाएं होती रहें बिल्कुल, ताकि एक संदेश जाए और ये तमाम सारे पक्ष भी लोगों तक पहुंचे, प्रेमियों तक पहुंचे। एकदम सही। तो इसीलिए हम इस वीक को मना रहे हैं और शिद्दत के साथ मनाते हैं। आप सबका सहयोग रहेगा और तमाम लिसनर्स आप सब भी इस सप्ताह को कुछ अच्छे और कुछ मीनिंगफुल अंदाज में मनाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपका जी। और तमाम लिसनर्स का भी बोल दीजिए जो समय से हम सब जो हमको सुन रहे हैं, झेल रहे हैं। हमें सुनने वाले सभी श्रोताओं का प्यार भरा नमस्कार और आपको सबको वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं, के मंथ की या वीक की शुभकामनाएं। बहुत बहुत। तो लिसनर्स आप सब हमारे साथ बने रहे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अपना फीडबैक हमें देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है 7300868902। तो इस पर आपके फीडबैक का हमें बहुत इंतजार रहेगा। तो आप सुनते रहें हेलो हल्द्वानी 91.2 FM।